हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज हम करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। बहुत लंबे समय से इंतजार था आप लोग का, है ना। कोई बात नहीं, अब आगे कंटिन्यूअस मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा एग्जाम से पहले। और हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिस एंड मैटर, मैग्नेटिस के नाम से हम जानते हैं चुंबकत्व। तो इसके हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स अब बाइलिंगुअल होता है। हम हर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हैं, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट एक साथ कर सकते हैं। और कॉमन क्वेश्चन तो कॉमन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। आपको कई जगह लेंथी कैलकुलेशन मिलेगा, कैलकुलेशन का आपको अच्छा से प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं तो अभी कैलकुलेटर से करके आपको आंसर दिखा देता हूं, लेकिन आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करना है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। आप डायरेक्ट जैसे मैं निकालता हूं वैसे करोगे कैलकुलेटर से, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी सिंप्लीफिकेशन है सरल करने के तरीके को खुद से करिए। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो, अवर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक छोटा छड़ चुंबक। क्वेश्चन नंबर है छोटा छड़ चुंबक। जब भी छोटा छड़ चुंबक बोलेगा तो स्मॉल मैग्नेट वाला कंडीशन हमको लगाना है। एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है पर 4.5 × 10−2 जूल का बल आघूर्ण लगाता है। टार्क का वैल्यू दिया हुआ है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए, ए स्टार्ट मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंस ए टार्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 × 10−2 जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट ऑफ द मोमेंट ऑफ मैग्नेट? ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या है। ये मैं हमेशा आपको ये बताएं, हर वीडियो में आपने देखा है कि सबसे पहले हमको उसका वैल्यूज लिख लेना चाहिए जो गिवन है। तो गिवन है बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी कितना दिया है? 0.25 टेस्ला। बी इक्वल 0.25 टेस्ला। 30 डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा दे दिया 30 डिग्री पर 4.5 × 10−2 जूल का बल आघूर्ण टार्क। दिस इज द वैल्यू ऑफ टार्क। टार्क टा दिया है 4.5 × 10−2 जूल। और हमको फाइंड करना है क्या? एम। एम हमको फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन के बाद आपको क्या करना चाहिए? गिवन के बाद आपको उस फार्मूला को सोचना है जो ये सब जिस फार्मूला में आते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला है, आपको पता है। ये कुछ क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट होते हैं। देखो, एनसीईआरटी के फार्मूला न्यूमेरिकल्स का खासियत है कि इसमें हर तरह के आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हमको मालूम है टार्क इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। टार्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। दैट इम्प्लाइज इस फार्मूला को हम बी के लिए साल्व कर एम के लिए साल्व कर लें तो क्या होगा? एम इक्वल टा अपान बी साइन थीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट अप कर देते हैं। टार्क का वैल्यू है 4.5 × 10−2 जूल अपान बी का वैल्यू है 0.25 × sin थीटा। तो साइन थीटा इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, ओके। दैट इक्वल साइन 30 1/2 होता है 4.5 × 10−2 अपॉन 0.25 × 1/2। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लें
तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा 4.5 के साथ में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया 9 × 10⁻²/0.25। अब यहाँ आप 9 में 0.25 मल्टीप्लाई कर लेना या इसको 25 बना लेना, ठीक है। तो 9 में हम 25, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻², तो 10⁻² ऊपर जाके 10⁻², ऊपर जाके +2 कैंसिल आउट होएगा, 9 में 0.25 में डिवाइड करता हूँ, 9 ÷ 0.25 0.36 यूनिट होता है टेस्ला पर जूल आर जूल इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, टेस्ला पर जूल इसका यूनिट होता है। तो ये आप यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे, मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया हूँ मैं, क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आंसर पर बेस्ड है। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमको टाई इक्वल टू mb साइन थीटा का हमारे पास जो फार्मूला होता है उस फार्मूला में क्या करना है, अपने को वैल्यू पुटअप कर देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गिवन कि क्या क्या दिया है, और दूसरा फार्मूला में पुटअप करके सिंप्लीफाई। तो बहुत से क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही बेस्ड हैं, और ख़ासकर मैग्नेटिज्म का जो न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेशन ज़्यादा है, फार्मूला डायरेक्ट है उसके बाद आपको कैलकुलेशन ही करना है, ज़्यादा स्टेटमेंट घुमावदार नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.4। क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान से पढ़िए पहले। चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल 0.23 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक, ये बात जरूर ध्यान देना ना, छोटा छड़ चुंबक बार मैग्नेट 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह पहला स्थायी संतुलन, फर्स्ट इज स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए, हमको उसको निकालना है स्थितिज ऊर्जा। देखो इंग्लिश स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं, ए सॉलिड बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड करेस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमको दो चीज फाइंड करना है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, एक अनस्टेबल के लिए, ठीक है। तो स्टेबल कब होता है और अनस्टेबल कब होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि हमारा जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, हमारा जो बेसिक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तरीका यही है कि पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा जाए, फिर चैप्टर में जो फार्मूले आए हैं वो तैयार किया जाए, और तीसरा नंबर आता है न्यूमेरिकल्स का, ये दोनों काम होने के बाद। तो आप लोगों को मेरा सजेशन है कि जो भी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, आप लोगों को बहुत डिमांड होता है कि सर न्यूमेरिकल्स बचा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आप उस चैप्टर के थ्योरी को रिवाइज करिए, फिर न्यूमेरिकल को करिए, ये स्टेप है, तो आपको सही समझ में आएगा। सपोज मैग्नेटिज्म का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फार्मूले याद नहीं है और आप न्यूमेरिकल देखने लगे, कोई काम का नहीं है। तो बाय द वे ऐसा नहीं है, तो पहले उस वीडियो को आप देखो अच्छे से, और उसके बाद इमीडिएट तुरंत आप इसको देखो। यदि आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो और आप इसको देख रहे हो तो गलत कर रहे हो, इसको बंद करो तुरंत मेरे चैनल में जाके आप। और हमने अब मैथमेटिकल जो हमारा न्यूमेरिकल उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, पहले क्या होता था आपको प्लेलिस्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम होता था, पूरे बहुत सारे वीडियो के बीच से सर्च करना है, अब हमने प्लेलिस्ट में अलग बना दिया है NCERT फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ से आप सर्च कर लीजिए। ओके देखिए, तो गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में, हम एक बार देख लें क्या का गिवन है। देखो गिवन वैल्यूज आर m 0.23 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, b 0.15 टेस्ला स्वतंत्र है स्थाई और अस्थाई, बस ये दो आपको गिवन है और आपको दोनों कंडीशन में इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए के लिए, ए स्टेबल कंडीशन, ठीक है।
तो फार्मूला क्या है हमारा, स्टेबल कंडीशन में थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। जब थीटा 0 डिग्री में होता है तो बार मैग्नेट स्टेबल कंडीशन में होता है। और निकालना है ऊर्जा, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -mv cos थीटा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना ये कंडीशन है किसके लिए, स्टेबल। जब 0 डिग्री में होता है तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल कंडीशन है, देयर फॉर एनर्जी यू इक्वल टू -mv cos थीटा। ये क्या है, बार मैग्नेट पर एनर्जी है। ये सब फार्मूला आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा तो चैप्टर में मिलेगा। तो बार मैग्नेट को जब हम मूव करते हैं थीटा एंगल से तो उस पर एनर्जी -mv cos थीटा होता है, और स्टेबल कंडीशन में थीटा 0 डिग्री होता है। इसके वैल्यूज को पुट अप कर दो, दैट इक्वल माइनस एम का वैल्यू है 0.23 इंटू बी का वैल्यू है 0.15 और इंटू कास थीटा, तो कास थीटा इज 0 डिग्री। कास 0 1 होता है तो हो जाएगा -0.23 इंड 0.15 इंटू यह हो गया 1। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले, 0.23 कितना आ जाएगा देखो, 0.23 इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग, ये हिंदी मीडियम का सुधार लो, बुक में ही मिसप्रिंट था क्या, ये वैल्यू गलत है, ये सही है 0.32, ये करेक्ट कर लेना, हिंदी मीडियम वाले इसको करेक्ट कर लेना। ये मिसप्रिंट का चक्कर रहता है। चलो ठीक है, दोनों मीडियम में अपन लिखते हैं तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं रहता। यह 0.32 इंग्लिश मीडियम सही है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो 0.32 इंटू 0.15 -4.8 × 10⁻²² के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल 3 प्लस इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा यू जूल, ये जूल में आंसर आएगा इसका, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेबल कंडीशन में। इसके बाद हम देखते हैं अनस्टेबल कंडीशन में, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा, बी इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल अस्थाई। अनस्टेबल कंडीशन के लिए फार्मूला हो जाएगा ये, तो यू इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला ही होगा, तो -0.32 × 0.15 और इंटू कास 180 डिग्री, दैट इक्वल -0.32 × 0.15 और कास 180 डिग्री होता है -1। कास 0 डिग्री 1 होता है, कास 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू सेम वही आएगा 4.8, क्योंकि वैल्यू तो सेम है 4.8 × 10⁻²। तो ध्यान रखना एक माइनस में वैल्यू आएगा और एक प्लस में आएगा। ये पहला आंसर है माइनस में आएगा, दूसरा आएगा प्लस में आएगा। दैट मीन्स स्टेबल कंडीशन में उसमें वर्क ये हो निगेटिव वर्क होगा और अनस्टेबल कंडीशन में उसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ओके, ये आप करेक्ट कर लेना, 0.32 ही सही होगा, 0.32 पर ही इसका आंसर आएगा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सीधा फार्मूला और आपको मल्टीप्लाई करना है ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिनालिका, परिनालिका पर बेस्ट क्वेश्चन है।
पांच पांच लपेटे गए 800 फेरे हैं, फेरों की संख्या 800 है तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 × 10⁻⁴ है और इसमें 3.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ए क्लोजली उन्ड सोलेनाइड ऑफ 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज ए करेंट ऑफ 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनाइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलता है कि हमारे पास एक परिनालिका है, सोलेनाइड है, उसमें पास पास में लपेटे गए 800 फेरे हैं, 800 बार उसमें फेरे तार लपेटे गए हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और इसमें करेंट फ्लो करा रहे हैं अपन ये, तो आपको परिनालिका का डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, उस फार्मूला से हम क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो सोलेनाइड के लिए सबसे पहले हम लिख लें गिवन, तो फेरों की संख्या n इक्वल टू 800, इसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन a इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड नेक्स्ट डेटा इज i इक्वल टू 3 एम्पियर एंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमको m फाइंड करना है, ये हमको ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है m फाइंड करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फार्मूला पर बेस्ड, आप सीधा उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे सोलेनाइड में, तो सोलेनाइड में इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण हमको फाइंड करने बोला है ना, व्हाट इज एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट m, ठीक। तो m का फार्मूला होता है n i a, या स्मॉल n भी हम लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल n लिखे हैं तो वहाँ भी स्मॉल n ही लिख देते हैं, एन आई ए उसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला है एन आई इंटू ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज अमाउंट ऑफ करेंट, ए इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सीधा वैल्यू पुट अप कर दो फार्मूला में, अभी शुरुआत के सभी क्वेश्चन तो फार्मूला पर ही बेस्ड है, फार्मूला बस याद रहना चाहिए आपको। ये हो गया 800 इंटू आई 3, पहले राउंड में मैं आपको ए का वैल्यू कितना है ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ, बाद में फिर अपने सिलेक्शन पर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं बाद में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ मल्टीप्लाई आपको, एट हंड्रेड इंटू थ्री इंटू 2.5 × 10⁻⁴ तो हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट ये आ जाएगा 0.6। टेस्ला जूल इन्वर्स ये होगा आंसर। ये आप लोग को यहाँ का सिंप्लीफिकेशन अपने से करना है, ये वैसे आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। सबसे पहले आप एक जीरो को इसके साथ में एडजस्ट कर दीजिए, ये दोनों जीरो को इसके साथ में एडजस्ट कर दीजिए तो -2 बचेगा, 10⁻², ठीक है। 8 थीजा 24 में 2.5 मल्टीप्लाई कर दिए जो आएगा, और उसके बाद 10 के पावर को आप ऐसा एडजस्ट कर लीजिए, तो 0.6 × 10⁻⁶ टेस्ला जूल पर इनवर्स ये हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जितेंद्र सर लाइव, ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री
क्लासेस यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्जाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड। ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्वेश्चन, यदि प्रश्न 5.5 में, अच्छा पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है, बताई गई प्रणाली का ऊर्ध्वाधर दिशा के विपरीत घूमने के लिए स्वतंत्र है, वर्टिकल के अपोजिट घूमने के लिए स्वतंत्र है और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस प्रणालिका पर लगाने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ये बल आघूर्ण पूछ रहा है इतना टेस्ला, उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के एंगल बनाए। ओ, तो टार्क निकालने बोल रहा है, इसी क्वेश्चन पर टार्क निकालना है। इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट इस वर्टिकल डायरेक्शन एंड ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क ऑन द सोलेनॉइड गिवन इट्स एक्सिस मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ओके, देखो क्या क्या गिवन है। तो गिवन में आप लिख लो पिछले क्वेश्चन का इंटेंसिटी, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने इंटेंसिटी निकाला कितना, 0.6 m निकाला है। तो m इक्वल टू 0.6 टेस्ला जूल इनवर्स। अब इसमें क्या क्या आपको डेटा दिया हुआ है, 0.25 का चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, दैट मीन्स b इक्वल टू 0.25 टेस्ला, ये है। और वह थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से रोटेट होता है तो टार्क फाइंड करो बोलता है। यह क्वेश्चन हमने बना लिया है इस तरह का, बस इसको पीछे क्वेश्चन से 5.55 से उसने कोरिलेट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे अपन, टार्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा टा इक्वल एम का वैल्यू 0.6 इंटू बी का वैल्यू 0.25 इंटू साइन थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 30 डिग्री, दैट इक्वल 0.6 इंटू 0.25 इंटू 1/2। इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ये 0.3, अब इसका 75, ठीक है 0.75, ये ठीक है आंसर हो जाएगा इसका, कितना आया न्यूटन मीटर होता है ना, 0.,  अच्छा एक जीरो और आएगा, 25 या 75, 2 प्लस के बाद जीरो, ये हो जाएगा, एक बार मिटा ही दूं, 0.075 आएगा ना, 0.075, क्लियर। ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। तो इसमें देखो उस क्वेश्चन से हमको एम को लेना है, ये है क्वेश्चन नंबर 5.5 से, इसको हमने लिया और इसका कैलकुलेशन कर दिया, आसान है, कुछ नहीं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैग्नेटिज्म का मैक्सिमम न्यूमेरिकल ऐसा इजी है। वैसे आप लोगों ने बहुत बार, कई लोगों ने कमेंट्स किया कि सर मैग्नेटिज्म का आप छोड़ दिए और आगे बढ़ गए, अल्टरनेटिंग करंट का बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट का, तो इसको मैं इसीलिए स्किप कर दिया था कि बहुत ईजी इसको आप लोग कर लोगे करके। फिर मैंने सोचा कि यही इनकम्प्लीट क्यों रहे, इसको बना देते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन पर है, डायरेक्ट फार्मूला पर है, फिर भी प्रैक्टिस तो करना चाहिए। तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ईजी है, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया था, ये तो सबसे हो जाएगा करके। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे, मैं
आपको उसका कराऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण सब पर वही वही दिया रहता है, चुंबकीय आघूर्ण दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के, देखो लंबवत रखा जाए, विपरीत दिशा में संरक्षित करने के लिए घुमा दें, स्थिति एक एवं स्थिति दो में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, वही वही क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो। ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइस अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्मिटी फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाई एन एक्सटर्नल टार्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। क्लियर, लिख लो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझने के बाद यही काम करना है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण बी 1.5 जूल, एम 0.22 टेस्ला, ठीक। दोनों कंडीशन में हमको अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्क करना है, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक वाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को लंबवत रखा जाए, ठीक है। लंबवत रखने पर और क्या क्या गिवन है, वर्क निकालना है। वर्क जो है एनर्जी के इक्वल होता है। दो कंडीशन दिया है, परपेंडिकुलर और विपरीत दिशा में, परपेंडिकुलर और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टार्क टर्न ए मैग्नेट लाइन मैग्नेटिक, अच्छा अलाइन विथ मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, जब वो उसके उसके साथ में अलाइन होगा वो, तो थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वर्क का, तो वर्क एनर्जी इक्वल होता है माइनस एम बी कास थीटा, तो कास थीटा हो जाएगा कास थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि हम मैग्नेट को थीटा 2 से थीटा 1 क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। इनिशियली वो 0 है और उसके बाद उस कंडीशन पे हम 90 डिग्री से उसको टर्न कर रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर दें तो W इक्वल टू माइनस एम का वैल्यू 0.22, बी का वैल्यू 1.5 इंटू कास 90 माइनस 0, 90 माइनस 0 मतलब 90, और कास 90 0 हो जाता है, कास 90 0 पूरा 0 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, दो बार उसको कैलकुलेट करना होगा। नहीं, ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो एंगल में डिफरेंस नहीं होगा, एक बार ध्यान देना। जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा डेल डब्ल्यू मैं फार्मूला को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम बी कास थीटा होगा, तो पहले इसके लिए डब्ल्यू वन के लिए लिखे हम, तो माइनस एम बी कास थीटा वन ऐसा, और डब्ल्यू टू इक्वल टू आएगा माइनस एम बी कास थीटा टू, ये होगा। देयरफॉर जब डेल डब्ल्यू निकालेंगे अपन, अमाउंट ऑफ वर्क डेल डब्ल्यू इक्वल टू आएगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, दैट इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस एम बी को हम कॉमन कर लें, तो माइनस एम बी को कॉमन कर लेंगे तो कास थीटा टू माइनस कास थीटा वन होगा, ऐसा होगा फार्मूला, कास थीटा टू माइनस कास थीटा वन।
अब यहाँ तक मैंने फार्मूला निकाला, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। दैट इक्वल एम का वैल्यू 0.22 इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू, यह थीटा 2 माइनस थीटा 1 नहीं, कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 होगा, क्योंकि हमको दो बार वर्क निकालना है, एक बार W1 एक बार W2, दोनों कंडीशन के अलग अलग फिर माइनस करेंगे। तो कास थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू है 90 डिग्री, तो यह आएगा कास 90 डिग्री और माइनस कास 0, कास 90 जीरो होता है और कास 0 1, तो हो जाएगा माइनस 0.22 इंटू 1.5 अंडर ब्रैकेट 0 और ये हो जाएगा माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों का तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.33। जूल। एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल पर टेस्ला है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण है 1. चुंबकीय आघूर्ण जे 1.5 जूल पर टेस्ला, अरे सिंबल को कैसे लिख दिया मैं, ये एम होगा ना, ये बी होगा, एम ये होगा ना, और इंटेंसिटी दिया है 0.22 के छड़ चुंबक अनुदिश रखा गया है। एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, ओ ये कार्य कितना कार्य करेगा निकालना है। यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, मतलब उसमें लाइन किया जाए, और विपरीत दिशा में मतलब 0, परपेंडिकुलर के अपोजिट 0 डिग्री पर, ओके, इस तरह से बनेगा ये 0.33 जूल। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट में पूछा है स्थिति एक और स्थिति दो में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण होगा, टार्क का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, तो टार्क का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस पोजीशन पर मैं टार्क निकाल देता हूं, सेकंड पार्ट इसका टार्क, टार्क के लिए गिवन जो वैल्यूज हैं क्या क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, एक मिनट स्टेटमेंट को मुझे ध्यान से पढ़ने दो, और स्टेटमेंट को मैं ठीक से वाच नहीं किया, फर्स्ट पार्ट ए में 2 पार्ट दिया हुआ है, लंबवत विपरीत, स्थिति के अंदों में चुंबक पर कितना कार्य होगा, लंबवत और विपरीत, देखो एक ही पार्ट निकला है इसका आंसर, थोड़ा ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया, सुनना एक बार, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि वह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, पहले पार्ट में लंबवत और दूसरे पार्ट में विपरीत, लंबवत मतलब 90 डिग्री और जस्ट अपोजिट मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दिया, केवल एक ही पार्ट का आंसर निकाल दिया 0.33 आंसर निकाला ना, 0.33, एक और आंसर निकालना पड़ेगा, एनसीईआरटी में 2 आंसर दिया है, इसमें एक दिया है 0.33 और दूसरा आंसर दिया है 0.66, ओके, एक बार और निकालना पड़ेगा, चलिए ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है,
ये जो मैंने अभी निकाला है, ये तो मैं यहाँ तक फार्मूला निकाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो फार्मूला निकाला हूँ, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना, मतलब ये वाला है लंबवत वाला, इसमें हमने थीटा को 90 डिग्री लिया है। इसका सेकंड पार्ट भी हमको निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पर निकालते हैं। इसका टार्क निकालने के पहले सेकंड पार्ट, जब वो बोला है अपोजिट के लिए अपन निकालेंगे इसका वैल्यू। तो अपोजिट के लिए W इक्वल टू आएगा माइनस MB कास। अब अपोजिट मतलब कितना डिग्री में चला जाएगा, 180 डिग्री और माइनस कास 0, ये होगा दैट इक्वल माइनस M का वैल्यू, ये 0.22 इंटू 1.5 इंटू कास 180 डिग्री। कास 180 डिग्री कितना होता है, -1, और ये हो जाएगा ये भी -1, तो -2 हो जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई होकर इसके साथ में प्लस हो जाएगा, तो 0.22 इंटू 1.5 इंटू 2, और इसका ट्वाइस हो जाएगा। अभी हमने इसको 0.33 जूल निकाला है, तो हो जाएगा 0.66 जूल। ये इसका सेकंड आंसर होगा, क्योंकि NCERT में दो आंसर दिया, वही मैं सोच रहा था कि ये आंसर कहाँ गायब हो गया। तो दो बार निकालना है, एक बार लंबवत स्थिति के लिए, एक बार विपरीत मतलब 180 डिग्री के लिए, और इसके बाद हमको निकालना है इसी दो कंडीशन के लिए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के लिए हमको टार्क निकालना है, क्लियर। तो अब इसके बाद हम टार्क निकाल लेंगे। देखिए मैं एक बार बना दूँ, उसके बाद आपको इसको मैं एक साथ क्लोज कर दूँगा। अब हम निकालेंगे बी पार्ट इसका, टार्क। लेकिन टार्क क्या है, वह डायरेक्ट टाई इक्वल टू होता है MB साइन थीटा, टा होता है MB साइन थीटा, और यहाँ पर हमको दोनों के लिए निकालना है सीधा 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा दैट इक्वल MB, यहाँ पर हमको जीरो से नहीं करना पड़ेगा, MB और साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ओके दैट इक्वल, कितना कितना डिग्री दिया है, ये दिया है परपेंडिकुलर, टार्क का वैल्यू अलग अलग निकालो। दो बार निकालना है, स्थिति एक स्थिति दो में चुंबक पर कितना, अच्छा दोनों में सेपरेट निकालना है। इसमें निकालना था एक बाह्य बलाघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि वह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। तो यहाँ पर दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहाँ पर आपको बोल रहा है कि लंबवत कंडीशन में हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, फिर विपरीत दिशा में है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कहाँ से संरेखित करने के लिए, उसके मतलब नेचुरल कंडीशन से। तो जब वर्क हम निकालते हैं, तो वर्क निकालते हैं तो उसके नेचुरल जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि स्थिति एक एवं दो में चुंबक पर बल आघूर्ण कितना होगा, मतलब उसको दोनों को हमको सेपरेट सेपरेट निकालना है, ठीक है, वहाँ पर जीरो के साथ हमको नहीं निकालना होता, ये ध्यान रखना। तो हमको वहाँ पर सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन के लिए। तो पहले कंडीशन के लिए निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर 90 डिग्री के लिए, ओके। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ों को पूछा है और घुमा के पूछा है। इसमें पहला देखो, टा इक्वल टू MB साइन 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री के लिए दैट इक्वल, इसके वैल्यूज पुट अप कर दें, 0.22 इंटू 1.5 इंटू साइन 91, तो 0.22 1.5 का मल्टीप्लाई करें अपन, 1.5 0.22 0.33, ये तो मल्टीप्लाई भी किया था, 0.33 न्यूटन मीटर ये आएगा। और सेकंड कंडीशन में, इसका सेकंड कंडीशन में टाई इक्वल टू MB जब विपरीत दिशा में हो जाएगा तो साइन 180 डिग्री करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, तो टाई इक्वल टू 0.22 इंटू 1.5 इंटू साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, ये आंसर होगा।
तो वर्क निकालेंगे तो माइनस जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि वर्क के डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि किसी चुंबक को उसके प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो उसका वर्क होता है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर टार्क निकालते हैं तो टार्क मतलब क्या होता है, चुंबक जब स्वतंत्रतापूर्वक लटके रहता है उस कंडीशन में हम टार्क निकालते हैं। तो वर्क और टार्क निकालने में डिफरेंस है, कार्य निकालने के लिए दो एंगल का डिफरेंस चाहिए कहाँ से कहाँ तक, लेकिन टार्क निकालने के लिए हमको डायरेक्ट उसका क्या करना है, वैल्यूज को पुट अप करना है। ये 90 डिग्री और एक बार 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में दो तरह की चीज़ों को पूछा है तो थोड़ा घुमावदार है ये। मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा था भले ही वो ओह ये एक साथ आप देख लीजिए आंसर को, थोड़ा अलग अलग तो मैंने पढ़ाई दिया है लेकिन आप उसको एक साथ ऐसा देख सकते हो। ये स्टेटमेंट है, अभी छोटा हो गया राइटिंग तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन तो आपको पता है। और इसमें कितने आंसर, एक आंसर ये, एक आंसर ये और तीसरा आंसर, चौथा आंसर, चार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा है, इसको देखो। इसमें एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक प्रणाली का जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया है, और जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल पर घूम सके। प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? बी, प्रणालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या होगा? यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ 7.5×10⁻²⁺ टेस्ला का एकमात्र क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। स्टेटमेंट बहुत लेंदी है, देखो। ए क्लोजली वुंड सोलेनाइड ऑफ 2000 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एलाइंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजेंटल प्लेन। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनाइड? एंड क्वेश्चन बी इज व्हाट इज द फोर्स एंड टार्क ऑन द सोलेनाइड इफ ए यूनिफॉर्म। देखो पढ़ लेना इसको, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन सोलेनाइड पर है और बोला गया है कि एक सोलेनाइड में इतने नंबर ऑफ टर्न्स, इतने फेरे हैं, तो n इक्वल टू लिख लो 2000 उसमें फेरे लपेटे गए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आप गिवन लिखने के बाद सब क्लियर होता है। ये है 1.6×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्लियर। और इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, सोलेनाइड के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जानना। ये है 4.0 या 4 एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है, जिसके केंद्र से इस प्रकार लटकी गई है कि यह क्षैतिज तल पर घूम सके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम पा रहा है। अब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण का, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला हमको डायरेक्ट पता है, फर्स्ट है ए चुंबकीय आघूर्ण एम इक्वल टू होता है एन आई ए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यू पुट अप कर दें, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका ये एन हो गया 2000, सेम क्वेश्चन अभी किया है हमने, करेंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर और यह एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1.6×10⁻⁴ दैट इज, इसको इसको सॉल्व करें तो 30 तो यहाँ से गया और ये हो जाएगा 4×2 = 8, तो 8×, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके मैं कर देता हूँ, 3 इसे माइनस हो जाएगा तो -1 होगा, 8×1.6 करूँ और उसमें क्या करूँ 10 डिवाइड कर दूँ, ठीक है। वन पॉइंट टू एट जूल पर टेस्ला या टेस्ला इन्वर्स। कैलकुलेशन वगैरह में कहीं पर मिस्टेक हो थोड़ा बहुत तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना पड़ते समय, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर कभी मैंने एकाध दो, मुझे ध्यान नहीं है, एकाध दो कैलकुलेशन में कहीं पर डेसिमल में या कहीं पर वैल्यूज पुट अप करने में हड़बड़ी में गलती कर डाला या फिर लिखने के समय गलती कर दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। फिर आप कमेंट्स करते हो सर क्वेश्चन नंबर 7 आपने गलत बताया है, आपको ज़्यादा मतलब होना चाहिए मेथड से। कैलकुलेशन में कहीं माइनर मिस्टेक बाय द वे हो जाए तो आप उसको कंसीडर करना, उसको आप करेक्ट कर लेना, ओके। क्योंकि मेरा पर्पस पहले आपको क्वेश्चन को समझाना होता है।
तो वैसे जनरली होता नहीं, बाय द वे ऐसा हो जाए तो आप उसको कलेक्ट करते चलोगे। पार्ट टू में क्या पूछा है देखो, मतलब इसका बी पार्ट प्रणालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण भी निकालना है, बल भी निकालना है। यदि इस पर इसके 30 अंश का कोण बनाता हुआ इतना टेस्ला का एकमात्र क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, अच्छा ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए बी, ये बी का वैल्यू है तो पार्ट बी के लिए हमको बी भी दिया हुआ है। चलिए गिवन में बी भी लिख लेते हैं अपन, बी इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, और थीटा भी दिया हुआ है, लिख ही लें यहाँ पर थीटा 30 डिग्री, ये गिवन हमको सेकंड पार्ट के लिए। ओके, टाई इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा वहाँ पर, आ जाएगा टाई इक्वल एम बी साइन थीटा। चलो इसी इंक से मैं इसको कर देता हूँ, एम बी साइन थीटा, टाई इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम हमने निकाल लिया है, ये हमको फर्स्ट आंसर का इसमें हेल्प लेना पड़ेगा, एम निकाल लिया है तो हो जाएगा 1.28 इंटू एम पहले पार्ट में निकाले हैं इंटू बी, तो बी दिया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री, दैट इक्वल 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और साइन 30 1/2। अब इसको सॉल्व करो भाई, सबसे पहले मैं डिवाइड कर दूँ 1.28 में 2 को, ये 1.28 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 7.5, ये हो जाएगा 4.8, उसको ऐसे रहने दें, हो जाएगा 4.8। इतने को सॉल्व करो 4.8 और इसको वही रहने दो, 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर, ये इसका टार्क होगा। क्लियर, तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है परिनालिका के लिए। पहले पार्ट में आप परिनालिका का एम फाइंड करोगे और एम फाइंड होने के बाद दूसरे पार्ट में उसका टार्क फाइंड करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन टार्क फाइंड करने पर है, बल आघूर्ण पर है, तो फार्मूला पर ही बेस्ड है ये, कैलकुलेशन को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वैसे एक आध दो स्टेप में है, बाकी तो आपको इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं, वृत्ति कुंडली है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसमें 0.75 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर रखी गई है कि इसका तल 5×10^-2 टेस्ला परिमाण वाले बाह्य क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपने स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 पर सेकंड, ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है कि आवृत्ति से दोलन करती है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, सेकंड इन्वर्स मतलब आवृत्ति करती है। कुंडली का अपने अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण पूछा है, ये क्वेश्चन नए टाइम का है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा है इसमें, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द क्वायल, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ए सर्कुलर क्वायल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करेंट ऑफ 0.75 एम्पियर, ठीक है, रेस्ट्स विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5×10^-2 टेस्ला, द क्वाइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, वेन द क्वाइल इज टर्न्स स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स सुटेबल इक्विलिब्रियम विथ, जब हम इस कुंडली को थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो क्या करने लगता है, वो विस्थापन दोलन करने लगता है, ठीक है, ये जरा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो अपने स्थायी अवस्था से इधर उधर दोलन करने लगता है, ऑक्सीलेशन करता है वृत्ति कुंडली, तो हमको जड़त्व आघूर्ण फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या क्या दिया है, फेरे 16, रेडियस 10 सेंटीमीटर दैट इक्वल 0.1 मीटर, ठीक है, 100 को डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर, करेंट 0.75
एम्पियर, बी दिया हुआ है, ठीक है, तीव्रता 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², टेस्ला ये गिवन है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 2 सेकंड इनवर्स, ये आपको डेटा गिवन है, क्लियर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में भले ही दे दिया, इसको एनसीईआरटी में दे दिया है क्वेश्चन को, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, क्योंकि ये जो ऑक्सीलेशन मतलब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता था पहले ओल्ड सिलेबस में, वो आजकल न्यू सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो आप लोग को नहीं पता है, इसको हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है, पहले ओल्ड सिलेबस में था। एनसीईआरटी की बुक्स अपडेट नहीं होते, सिलेबस चेंज होने के बाद भी ओल्ड क्वेश्चन कई साल से वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम आएगा आपको फार्मूला का, सबसे पहले आप m निकाल लोगे, m इक्वल टू एन आई ए, उस फार्मूला से कुंडली के लिए वही फार्मूला यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें m, क्लियर, m निकाल लेंगे, और m निकालने का फार्मूला होता है जो परिनालिका का है, परिनालिका ही है अभी समझ लो, तो परिनालिका के लिए इसमें जो फार्मूला होता है वही यूज़ होगा, एन आई ए, एन इंटू आई इंटू ए, क्योंकि कुंडली में जो धारा लपेटे फेरे लपेटे जाते हैं उसमें हमेशा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एन आई ए होता है, एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, तो 16 लिखो, और आई का वैल्यू करेंट दिया हुआ है 0.75 इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, अच्छा रेडियस दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे इसको, पाई और आर स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 16 इंटू 0.75 इंटू 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, इतने को मल्टीप्लाई करो, ना मल्टीप्लाई कर दूं 0.1 का स्क्वायर, क्लियर, 0.377 जूल, क्लियर, टेस्ला इनवर्स ये आएगा। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, अपने एक्स के पैतः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण तो निकाल लिया हमने, जड़त्व आघूर्ण एफ इक्वल टू 1/2 पाई, चलिए एक नया फार्मूला आपको बता रहा हूँ, देख लेना, हो सकता है कभी काम आए, वैसे सिलेबस में नहीं है ना ये, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन, यही दिक्कत है एनसीईआरटी के साथ में, अब सब क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसको ही बता दे रहा हूँ मैं, बाकी ये क्वेश्चन ना काम का नहीं है, क्योंकि फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ना, तो क्या काम का रहेगा। देखो एक टॉपिक होता था पहले वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, हिंदी में बोलते हैं दोलन चुंबकत्वमापी, उसमें एक चुंबक को रख के हम दोलन कराते थे, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ये याद कर लेना आप, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/2 पाई, सिंपल पेंडुलम के प्रिंसिपल पर काम करता था सरल उलग के, तो फार्मूला से आप समझ गए होंगे, जैसे 1/2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है उसी पर बेस्ड है, तो एम बी अपॉन आई होता था, ये एम बी अपॉन आई ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला का अपलर्न कर लेना, कभी कभी काम आ जाता है कहीं पर, तो ये पार्ट तो ठीक है, ये पार्ट आपका सिलेबस पर है, ये वाला जो पार्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस है मान के चलो, लेकिन क्वेश्चन मेट कर दिया है, मैं समझा देता हूँ। देखो अब इसको हम सॉल्व कर लें, ये फार्मूला है ना, ये है फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करें दोनों टाइप का स्क्वायर कर दें, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई स्क्वायर, और एम बी अपॉन आई, यहाँ पर आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, देयरफॉर आई को इधर ट्रांसफर कर दो, तो आई इक्वल टू आई इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये अब सबका वैल्यू पुट अप कर दो, एम और बी का वैल्यू जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है,
मैं अपने बुक से क्वेश्चन को देख लूँ, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है। एम तो काउंट किया है हम लोगों ने अभी, ये 0.377, ये तो काउंट किया है, ये वैल्यू अभी काउंट किया है हमने, तो ये हो जाएगा 0.377 इंटू बी गिवन था क्वेश्चन में, कितना गिवन था बी, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², और अपॉन 4 × 3.14 का होल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी दिया है मेरे ख्याल से 2 ना, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 × 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 1.2 × 10⁻⁴, 1.4 × 10⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फार्मूला होता है, एमआर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो ये है फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो ये पार्ट एडिशनल है, आप इसके लिए परेशान मत होना, जैसे कहाँ से आया, कौन सा फार्मूला क्या है, तो मैं आपको बता दिया, ये वाला पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस है, और एम निकालने तक तो आपके सिलेबस में है, तो देख लेना आप जो भी है, क्वेश्चन में दिया था मैंने बता दिया, ओके। ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, उस पर बेस्ड है ये, एक बार देख लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन को, ओके। ये यहाँ तक आपका एम तो कई बार निकाले हो अभी, ये क्वेश्चन तीसरे चौथे बार रिपीट हो रहा है, वो एडिशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय आमोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसकी उत्तरी ध्रुव 36 से 22 अंश के कोण पर नीचे की ओर झुका है। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे 22 अंश है, अब 22 डिग्री का वैल्यू आप नहीं जान सकते, इस तरह के क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो उसका वैल्यू हमको दिया रहेगा, नहीं तो आप 22, या फिर आपको साइन टेबल देगा, साइन टेबल आपको अवेलेबल होगा तो देगा, एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है, ये बकवास है। नीचे की ओर झुका है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के 36 अवयव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.53 गॉस है, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रहने के लिए डायरेक्ट फार्मूला पर है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने बताया था, ठीक है, r sin थीटा या i sin थीटा और i cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, आपको याद होगा इस तरह से, ये इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, ये एंगल ये डेल होता है, क्लियर, इस पर बेस्ड है। और यहाँ से हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, देखो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन 22 का डिग्री का मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको वैल्यू, आपको उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं, आएगा तो क्वेश्चन को मैं दिया रहेगा उसका वैल्यू, तो आपको गिवन है उत्तर 36 है, मतलब डेल का वैल्यू, डेल इक्वल टू 22 डिग्री, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र 36 अवयव का मान, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू दिया है आपको 0.53 गॉस, जो हो जाएगा 0.53 × 10⁻⁴ टेस्ला, गॉस को टेस्ला में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है या आई फाइंड करना है, इसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई भी कहते हैं या आर भी कहते हैं, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होगा देखो, सबसे पहले इसका फार्मूला, तो फार्मूला R इक्वल टू एच कास डेल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो R इक्वल टू एच हॉरिजॉन्टल का, सॉरी R के फॉर्म में होगा ना, सॉरी उल्टा लिख दिया इसको मैं, ये H इक्वल टू R कास, ये R का, ये इसको मैं R कह दूँ तो H कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पास वाला कास होता है, तो R कास डेल, और V निकालना होता तो R साइन डेल होता, ठीक है, यदि वर्टिकल निकालना होता यहाँ पर तो होता R साइन डेल, ये ध्यान रखना। रिजल्टेंट को हम कई राइटर लोग, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा तो I से रिप्रेजेंट किया होगा, I से, कैपिटल I से, लेकिन हम कई जगह R से करते हैं, R फॉर रिजल्टेंट, तो सिंबल से कंफ्यूज मत होना। दैट इक्वल, इसका वैल्यू पुट अप कर दें, तो R का वैल्यू फाइंड करने बोला है ना अपने क्वेश्चन में, R फाइंड करना है तो R के लिए फाइंड कर ले अपन, तो R इक्वल टू हो जाएगा
एच अपॉन कॉस डेल दैट इक्वल द वैल्यू ऑफ एच इज 0.53 इंटू 10^-4 टेस्ला में चेंज कर दिया है और यह है कॉस 22 डिग्री। अब कॉस 22 डिग्री आप केवल पा सकते हैं कॉस टेबल से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यदि बोर्ड एग्जाम में आया तो देगा, अदरवाइज इसको कोई नहीं बना सकता। क्लियर? या तो क्वेश्चन आएगा नहीं। कॉस 22 का वैल्यू एनसीईआरटी की बुक में है, इसके आंसर को गास में ही दिया हुआ है, तो फालतू अपन टेस्ला में चेंज कर रहे हैं। चलो छोड़ो, वहां पर वो गास में ही दिया है, हटा दो ये लाइन। ठीक है, फाइनल आंसर है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे जैसा आपको निकालना है, तो गास में ही रहने दो ये। जीरो पॉइंट फाइव थ्री और कॉस 22 का वैल्यू होता है 0.9272। वैसे अपने ऑफलाइन क्लास में मैं सबको साइन टेबल, कॉस टेबल, टेन टेबल देखना सिखाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास बुक्स होते हैं, फिर वहाँ से मैं टेबल से उनको टेली करके सिखाता हूँ कि कैसे देखते हैं। यहाँ पर बताना मुश्किल है मेरे को, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ ऐसा है जहाँ पर स्टूडेंट को सामने में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो कास्ट टेबल से अभी हम इसको देख सकते हैं। वैसे यदि आप थोड़ा बहुत सीखे होंगे तो साइन कास्ट 10 का टेबल होता है बुक के पीछे में, तो वहाँ पर आप कास्ट टेबल में जाएंगे तो जीरो के कॉलम में जाके 22 में देखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, अब उसको हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से आ जाएगा 0.38 ये हो जाएगा आर का वैल्यू। ठीक है, ये आंसर। और इंटेंसिटी है तो गास में, हमने गास में ही सॉल्व कर दिया है तो ये भी गास में, टेस्ला में सॉल्व किया रहता तो टेस्ला में आता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेशन पर बेस्ड है, ऐसी है मैग्नेट में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर, ये 12 अंश का वैल्यू का मतलब है पश्चिम की ओर संकेत करती है। दक्षिण अफ्रीका में हम हैं और हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडिल है वो भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कॉर्नर में ये इस तरह से, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसा होता है। और अर्थ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अर्थ का जो दूसरा एक्सिस होता है, जो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल, और एक होता है क्या, मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है MN और ये मैग्नेटिक साउथ है, ऐसा होता है। इनके बीच में 12 डिग्री का पश्चिम की ओर, इसका वैल्यू नियर अबाउट 11.7 होता है। मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया तो समझाया था, याद होगा। तो ये इसमें 12 अंश दिया हुआ है, ये इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको जानना है कि 12 अंश के डिग्री पर वो दिखा रहे। चुंबकीय अमोत्तर में संरक्षित, चुंबकीय अमोत्तर में संरक्षित नतिवृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव 36 से 60 अंश उत्तर की ओर संकेत करता है। 36 से 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ वो एक्ट होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गास पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र की परिमाण और दिशा बताइए। तो परिमाण तो अभी आपने निकाला है, वही आर रिजल्टेंट वही निकालना है यहाँ पर। एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडिल ऑफ ए टिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्वेश्चन समझ गए आप? क्लियर? तो हमको उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। गिवन लिखें एक बार अपन, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, वो 12 डिग्री का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डेल आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री, और इंटेंसिटी दे दिया हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज अवयव मापने पर इतना गास, एच दे दिया 0.16 गास, आर हमको फाइंड करना है। ओके, आर आपको फाइंड करना है, अभी फार्मूला बताया, आर इक्वल टू एच इक्वल टू आर कास डेल 12 डिग्री। यहाँ पर फिर कास 60 डिग्री का वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं ना।
चलो डायरेक्ट वैसे सॉल्व होगा जो हमारा फार्मूला था अभी मैं बताया फार्मूला आपको, क्या एच इक्वल टू आर कॉस डेल, तो आर इक्वल टू एच अपन, सेम रिपीट फार्मूला है बस अफ्रीका अफ्रीका और 12 डिग्री है सब करके क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। एच का वैल्यू 0.16, ये अच्छी बात है इसमें कि 60 डिग्री दिया है और 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं, दैट इक्वल 0.16 का 60 डिग्री होता है 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 0.16 इंटू 2 ठीक है, तो 3.2 कितना आंसर दिया है ये आ जाएगा 0.32। अब देखो इसमें टेस्ला में दिया है कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 0.32 गास या 0.32 इंटू 10^-4 टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा ओके 0.32 इंटू 10^4 टेस्ला। बुक में टेस्ला में आंसर दिया, आप गास में भी लिख सकते हो, कभी गास कभी टेस्ला उसमें कोई बॉन्डेड नहीं है, आपकी मर्जी है दोनों सही है। तो ये हो गया 5.11 ओके